सबसे पहले हम आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी के दर्शन करने मतलब किधर से होके जाना पड़ेगा और कब तक आपका जल्दी से जल्दी नंबर आ जाएगा, कि आपको कितनी देर लाइन में लगा रहना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप है ना जल्द से जल्द अगर आपको दर्शन करना है तो आपको हम जो बताएंगे रास्ता उस रास्ते पर जाना और कहां से टोकन मिलेगा कहां से नहीं मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आप तिरुपति बालाजी के मंदिर के भव्य दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों ये पीछे देख पा रहे होंगे ये तिरुपति बालाजी का मंदिर है, यहाँ आप और भी हैं पूरा बैक कैमरा करके हम आपको बता रहे हैं। जय गोविंदा दोस्तों, चलते हैं तिरुपति यात्रा की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे घर से हम निकल चुके हैं बस में बैठकर। जी हाँ दोस्तों, बस में बैठकर अब हम निकले हैं दलौदा रेलवे स्टेशन की ओर। दलौदा रेलवे स्टेशन में काफ़ी समय के इंतज़ार के बाद रात की 3 बजे हमें ट्रेन मिली है। दोस्तों ये ट्रेन दलौदा से भोपाल तक जाती है। दोस्तों इस ट्रेन में बैठकर हम भोपाल तक हम चले गए। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आप स्क्रीन पे आप देख ही रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें सारी बातें बताएंगे और तिरुपति बालाजी के आप 5 घंटे के अंदर अंदर यानी कि किसी किसी को 25 घंटे 30 घंटे 32 घंटे तक रहना पड़ता है दर्शन के लिए। और हम आपको बता सकते हैं कि 5 घंटे के भीतर यानी कि 3 घंटे से 5 घंटे के भीतर आप दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए ऐसे ऐसे जाना होगा, ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा प्रकृति का, बहुत ही अच्छा सुहाना नज़ारा देखने को मिलेगा। दोस्तों ये देखो नदियाँ वगैरह तालाब वगैरह सब कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। और दोस्तों सबसे पहले एक बात आपको ये ज़रूर बतलाना चाहता हूँ कि दोस्तों आप अपना सामान का खुद ध्यान रखें ट्रेन में, और वहाँ जाने के बाद आपको ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तिरुपति बालाजी मंदिर ट्रस्ट आपका पूरा ध्यान रखेगा। दोस्तों हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों हम अपने वीडियो में आपको सारी चीज़ें बतलाएंगे जो तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में है। दोस्तों आपको कहाँ तक आप दर्शन कर सकते हो कहाँ तक नहीं कर सकते हो, कितनी बजे तक रात पर दर्शन चालू रहेंगे कितनी बजे तक नहीं रहेंगे सारी बातें हम आपको बतलाएँगे। पर दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो हम भी गए थे तिरुपति बालाजी तो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो हम आने ले रखे हैं और दोस्तों हमने काफ़ी अच्छा नज़ारा देखा है, तो आप भी देखिए और हमारी क्लिप को भी ध्यान में रखिए। दोस्तों हम फाइनली आ चुके हैं यहाँ पर डोन जंक्शन में, डोन जंक्शन पर आ चुके हैं और यहाँ से हम फिर अब तिरुपति के लिए जा रहे हैं। तिरुपति यहाँ से तकरीबन 400 किलोमीटर के समथिंग है ना, 400 किलोमीटर समथिंग है और बहुत ही अच्छा नज़ारा प्रकृति का बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है। और हम बैठे थे MP के दलौदा के, दलौदा से है ना, दलौदा से भोपाल भोपाल और भोपाल से फिर हम जा रहे हैं तिरुपति। बीच में यहाँ पर ट्रेन रुकी है जिसका नाम कि जिस स्टेशन का नाम है उसको देखकर भी हमें और पढ़कर भी हमको अच्छा लगता है कि यार क्या है, तो उसका नाम है डोन जंक्शन है ना भाई, डोन जंक्शन ये तो बहुत अच्छा खासा है यहाँ पर। और छोटे छोटे मनकी बंदर भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छी खासी व्यवस्था भी है। और इधर एक जो भोजन के लिए है वो भोजन मतलब जैसे कि कोई मछली वगैरह अंडा वगैरह ये मिलता है ना भैया, सादा भोजन मतलब अभी तक देखने को मिला नहीं। अभी हमने एक दर्जन केला लिया था पानी, वो नानी हमको बोल रही है पानी बनने के लिए। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं हम तिरुपति बालाजी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, तिरुपति बालाजी रेलवे स्टेशन से उतरकर उसके पास नज़दीकी ही 300 रुपये का टिकट मिलेगा आपको VIP दर्शन के लिए। दोस्तों आपको वह टिकट ले लेना है, उसके बाद आपको पैदल चलना है। सीढ़ी आपको मिलेगी 3500 यानी कि आपको 9 किलोमीटर की यात्रा करना पड़ेगी पैदल 3500 सीढ़िया के साथ। दोस्तों सबसे पहले आपको यही करना है, ऑनलाइन दर्शन करना है, आपको 3 से 5 घंटे के अंदर अंदर आपको दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों हमने सबसे बड़ी गलती यही की थी, वीडियो को पूरा देखिए हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारी गाड़ी चेक हुई थी, यह तिरुपति बालाजी है, हमारे दोस्त भी वहाँ पे हो गए और हमारे सभी साथ नहीं आगर मालवा से हैं, तिरुपति के लिए जा रहे हैं। हमारे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं हमारे साथ में, वो देखना 4 गाड़ियाँ तो निकल गई हैं, अरे 5 भी जा रही हैं और ये 6 गाड़ी है, और ये 7 गाड़ी है और पीछे 2 और हैं, 8-9 गाड़ी हुई हमारी हुई। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती हमने यही कर ली थी, क्योंकि दोस्तों हमने रेलवे स्टेशन से उतर कर टिकट नहीं लिया था। दोस्तों हमारे साथ कुछ श्रद्धालु थे 87, जी हाँ दोस्तों 87 श्रद्धालु थे, तो हम उनके साथ मिल गए, 3 हम थे और सब मिलकर 90 लोग हो गए थे। तो हमने जिप्सी कर ली थी महिंद्रा की, तो हमने 9 जिप्सी कर ली थी, उसके बाद हम चले गए। दोस्तों हमें 24 घंटे के अंदर दर्शन हुए। दोस्तों आप यह ना करें, आपको बिल्कुल 3 से 5 घंटे के अंदर दर्शन हो जाएंगे। आपको हमारी यात्रा है ना 26 किलोमीटर की
यात्रा है। आप जिप्सी में जाओगे 26 किलोमीटर आपको चढ़ाई करना पड़ेगी, और आप पैदल जाओगे 9 किलोमीटर में आपको दर्शन करने के लिए वहाँ तक जा सकते हो तिरुपति बालाजी। दोस्तों हमने ये नहीं किया था, दोस्तों आप वीडियो को पूरा देख के आपको पूरा पता चल जाएगा। जय गोविंदा, जय गोविंदा, जय गोविंदा। तो भाई फाइनली अभी हम यही मंदिर के अंदर ही हैं, आगे का नजारा हम आपको दिखाते रहेंगे। गोविंदा। दोस्तों हम तिरुपति बालाजी आ चुके हैं और हमारा फाइनली बैग मिल चुका है। यहाँ पर बैग जमा हो चुका था और ये जो आप देख पा रहे होंगे ये बैग वगैरह और मोबाइल पर्स वगैरह सब यहाँ पे जमा होते थे, यहाँ मिल जाते। और हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि तिरुपति बालाजी के दर्शन करने मतलब किधर से होके जाना पड़ेगा और कब तक आपका जल्दी से जल्दी नंबर आ जाएगा, ये आपको कितनी देर लाइन में लगा रहना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप है ना जल्द से जल्द अगर आपको दर्शन करना है तो आपको हम जो बताएंगे रास्ता उस रास्ते पर जाना, और कहां से टोकन मिलेगा कहां से नहीं मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप तिरुपति बालाजी के मंदिर के भव्य दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों पीछे देख पा रहे होंगे तिरुपति बालाजी का मंदिर है, यहाँ आप और भी मैं पूरा बैक कैमरा करके हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ से मिल जाएगा अपना मोबाइल और बैग। जी हाँ दोस्तों, अब आप यहाँ से आप फोटो क्लिक वगैरह वीडियो बना सकते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि तिरुपति बालाजी की आरती होती है वो आरती यहाँ पर लाई जाती है और आरती आप ले सकते हैं। दोस्तों अब जूम करके बता रहे हैं आपको, वो जो स्वर्ण मंदिर दिख रहा है वो तिरुपति बालाजी का स्वर्ण मंदिर है। जी हाँ दोस्तों, यह तिरुपति बालाजी का स्वर्ण मंदिर है और आप दर्शन भी कर सकते हैं लाइव दीदार। ये है तिरुपति बालाजी की मूर्ति। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप दर्शन कर सकते हो और मैं आपको पूरी जानकारी बतला रहा हूँ। दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखे और अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दे, तो मैं आपको कॉल लगाकर पूरी जानकारी दे दूंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जय गोविंदा ज़रूर लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गोविंदा दोस्तों।